डियर स्टूडेंट नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मार्कोनी काप का नियम क्या है। तो मार्कोनी काप का नियम जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो आइए देखते हैं मार्कोनी काप का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार असममित एल्कीन पर किसी भी असममित अभिकर्मक की क्रिया कराने पर असममित अभिकर्मक का अधिक विद्युत ऋणात्मक भाग द्विबॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड युक्त उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। एक बार फिर से नियम को देखते हैं कि इस नियम के अनुसार असममित एल्कीन पर किसी असममित अभिकर्मक की क्रिया कराने पर असममित अभिकर्मक का अधिक विद्युत ऋणात्मक भाग द्विबंध युक्त उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो हम देखेंगे कि जो प्रोपीन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 पर HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का योग कराते हैं तो हमें 2-chloropropane प्राप्त होता है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और CH से जो Cl है वो सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ जाता है 2 नंबर पर। तो इस प्रकार प्रोपीन पर HCl का योग होता है तो 2-chloropropane बनता है। आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।